हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के जो क्वेश्चंस हैं हमारे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको एक फिगर दे रखा है और इसमें हमको एक पाथवे जो है दे रखा है। PQRS जो है वो मेजर पाथवे होते हैं एनोरोबिक रेस्पिरेशन के, तो हमको बताने कि ये क्या है। ठीक है, सो ग्लूकोज जो है वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। देन जो ये एनारोबिक रेस्पायरेशन में जो पी है ये हो जाएगा NAD+, और ये देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। एंड देन दिस वन इज़ इथेनॉल, क्योंकि ये एनारोबिक पाथवे है इसलिए ये इथेनॉल बन जाएगा। एंड देन दिस फिर ये जो है पायरिक एसिड में, एंड दिस पायरिक एसिड चेंजेस टू PEP। सॉरी, ये जो है पायरिक एसिड जो ये NADH और प्लस एच आयन कंसनट्रेशन NAD+ में जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड। एंड यहाँ पे पायरिक एसिड जो है वो NAD और यहाँ पे प्लस CO2 है, तो ये जो है PEP में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो है इसका हो जाएगा आंसर। सो पी जो था वो क्या था, NAD प्लस Q इथेनॉल, देन R जो है लैक्टिक एसिड था, और PEP जो है वो S था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमको एक फिगर दे रखा ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सो हमको यहाँ पे जो है PQRS जो है दे रखा है और T, और इनको हमको जो है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है हमको बताने हैं इसमें। थोड़ा जुकाम लग गया मुझे। तो ये ऑक्सलो एसिडिक एसिड जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। देन दिस सिट्रिक एसिड जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। एंड देन ये सक्सेनिक एसिड इज 5 कार्बन कंपाउंड, एस हो गया। सॉरी, सक्सेनिक एसिड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। एंड देन अल्फा कीटो कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। मैलिक एसिड भी जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। तो सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो ये तीनों जो है 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। सिट्रिक एसिड 6 का है, एंड देन जो है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन कंपाउंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पे और इस फिगर में XYZ जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। सॉरी। हाँ, सो ये है X एंड एक्स एंड Y एंड ये Z, सो इसे आइडेंटिफाई करना है आपको। सो देखो, यहाँ पे ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, और फिर देन सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, एंड यहाँ से एक CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगा, और ये जो है वो हो जाएगा एक NADH2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस एक्स इज NADH2 और ये भी जो है NADH2, एंड यहाँ पे भी NADH2 आ जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, देन CO2 जो है यहाँ से रिलीज, एंड देन NADH2 यहाँ पे बन जाएगा। देन सक्सिनाइल को ए जो है यहाँ पे एक FADH2 का सिंथेसिस होगा, FADH2, एंड देन दिस विल कन्वर्ट इनटू सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड जो है वो फिमैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है एक मिनट, सो यहाँ पे एक्स जो है ये NADH2 हो जाएगा। ओके, देन सक्सिनाइल को ए जो है ये सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एक जो है GTP का सिंथोसिस होगा। दिस जेड इज GTP जो कि इक्विवेलेंट होता है टू ATP। इसको करेक्ट जो है कर लेते हैं, यहाँ पे FADH2 में बनेगा, यहाँ पे GTP बनेगा। एंड देन सक्सेनिक एसिड जो है वो एक तो फिमैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक FADH2 बनाएगा। तो Y जो है वो FADH2 है, X जो है वो NADH2 है, एंड Z जो है ये है GTP। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हमको फिगर दे रखा है और हमें पता करना है पी क्यू आर एस टी जो है क्या है। तो ये इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दे रखी है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर माइट्रो जो मेम्ब्रेन स्पेस है ये हो जाएगा। देन दिस क्यू जो है ये मैट्रिक्स हो जाएगा एंड आर जो है ये है एन ए डी एच प्लस हाइड्रोजन आयन एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा एन ए डी प्लस में, एस जो है एन ए डी प्लस हो जाएगा एंड देन दिस टी इज़ जो है ये टू हाइड्रोजन आयन्स हैं ये और क्यू मैट्रिक्स हो गया और पी जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। सो पी इज़ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है रेस्पायरेशन सबस्ट्रेट्स आर। तो रेस्पायरेशन के सबस्ट्रेट जो है वो क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इन रेस्पायरेशन टू रिलीज एनर्जी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स के। ओके सो दे आर द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ, तो रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है उसका, सो कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, जिन लोगों को आर एस की तैयारी करनी है उनके लिए आर एस का फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू हो रहा है फ्रॉम, सो उनके लिए आर एस का फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू हो रहा है 16 सेप्टेम्बर से। तो यहाँ पे आपको जो है हिंदी में पढ़ाया जाएगा और आप लोग अनअकैडमी के प्लस पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप रेफरल कोड आर पी एस ई ज्ञान यूज़ करेंगे तो आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में। चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन एटीपी इन, तो एनर्जी जो है क्या, एटीपी एक मेजर सोर्स है एनर्जी का फॉर सेलुलर रिएक्शन और ये कॉमनली इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। तो यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं एटीपी में। नेक्स्ट है लाइफ विदाउट एयर वुड बी, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, विदाउट एयर एनारोबिक हो जाएगी लाइफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फंक्शन, विच वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पायरेशन, तो जो ऑक्सीजन होता है वो सेलुलर रेस्पायरेशन में कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और मॉलिक्यूल बनाता है किसका, वाटर का। सो इट कंबाइन्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस वाटर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज स्प्लिट इनटू, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है क्या होता है कि पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इंटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड, सो ये साइटोप्लाज्म होता है और ये कॉमन फेज है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन के लिए। तो टू पायरिक मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। विच वन ऑफ वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है इंटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड देन ये होता है 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड एंड देन 3-फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरिक एसिड एंड देन फॉस्फोइनॉल पायरवेट में एंड देन पायरवेट में पायरविक एसिड में देन 6 GP इंटू 3 PGAL एंड देन 3 PGA एंड देन PEP में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन क्रैब साइकिल, आइसोसिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड होता है आइसोसिट्रिक में कन्वर्ट होगा देन ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड एंड अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड। ये आइसोसिट्रिक जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड में देन सक्सेनिक एसिड में। इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज वन स्टेप विद वेयर एनएडीएच प्लस हाइड्रोजन आयन इज फॉर्म फ्रॉम एनएडीए,
प्लस दिस इज व्हेन 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड PGL इज कन्वर्टेड टू 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरेट. दिस रिएक्शन शोज, तो ये रिएक्शन क्या शो करती है कि ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट, इफ हेक्सोकाइनेज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस इज ब्लॉक, देन व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. सो अगर हेक्सोकाइनेज को हम ब्लॉक कर दें, सो अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विच रिजल्ट इन द ब्लॉकेज ऑफ होल ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. सो जो है ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2 यील्ड 686 किलो कैलोरी एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ वन मोल ऑफ ATP इज 12 किलो कैलोरी. तो इसमें देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, 12 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP. ठीक है, यहाँ पे हमको दे रखा है. और सो ऑक्सीडेशन होने पे के जो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो CO2 और H2 में चेंज हो रहा है और कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 686 किलो कैलोरी. सो कोई भी ATP, जो नंबर ऑफ ATP विच कैन बी स्टोर्ड इन दिस वुड बी हो जाएगा 57 ATP. अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे इसे तो दिस विल बी 57 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 57 ATP. हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस. सो ग्लाइकोलाइसिस में जो नंबर ऑफ ATP है वो होते हैं 2. ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड. सो नंबर ऑफ ATP जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में 4 प्रोड्यूस हो गए, यानी 2 ATP फॉर ईच PGA. सो नेट गेन जो है ATP का ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो यूटिलाइज भी हो रही होती है उस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो द रीज़न फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम इन ईच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज दैट. तो इसमें क्या होता है, हर एक डिफरेंट में जो है एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है, तो उसको कैटलाइज करने के लिए डिफरेंट जो है हमको एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. तो ईच स्टेप्स इन्वॉल्व अ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन. और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, वो बैक्टीरिया टू कंटिन्यू ग्रोइंग रैपिडली व्हेन दे आर shifted from an environment containing O2 to an anaerobic environment they must. तो उनको क्या करना चाहिए कि अगर हमको जो है aerobic से anaerobic condition में डाल दें तो जो glycolysis के rate है वो increase हो जाएगी उनकी. They must increase the rate of glycolysis ताकि energy की जो supply है वो उनको बनी रहे. सो जो लोग RS की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग जो है ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी पर. सो यहाँ पे आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी और उसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इस पेंडेमिक में, और घर बैठे बैठे आप क्लासेस ले सकते हैं एंड दैट टू इन हिंदी, और पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा बाय दीज एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी. और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके होंगे, उसके लिए आपको जो है नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे PDF फॉर्मेट में, और आप जो है रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे. तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.